एक बार बुद्ध कहीं बैठे हुए थे। एक आदमी आया और उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। बुद्ध ने उस थूक को अपनी चादर से पोंछ दिया और मुस्कुरा कर पूछा कि और कुछ कहना है। वह आदमी थोड़ा झिझक गया और उसने कहा कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं ठीक पूछ रहा हूँ, और कुछ कहना है। उसने कहा कि लेकिन मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, केवल आपके ऊपर थूका है बस। बुद्ध ने कहा तुमने थूका, लेकिन मैंने सोचा कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो, क्योंकि थूकना भी कहने के जैसा ही है। शायद तुम्हारे मन में इतना क्रोध है कि तुम कह नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम थूक कर कह रहे हो। बुद्ध ने कहा कई बार मैं ही बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन शब्दों से कह नहीं पाता, और फिर इशारों से कहनी पड़ती है। तुमने इशारा किया और मैंने समझ लिया। उस आदमी ने कहा आप कुछ नहीं समझे, अगर मैंने क्रोधित होकर आपके ऊपर थूका तो आपने मुझ पर क्रोध क्यों नहीं किया। बुद्ध ने कहा तुम मेरे मालिक नहीं हो, तुमने क्रोध किया इसलिए अगर मैंने भी क्रोध किया तो मैं तो तुम्हारा गुलाम हो गया। मैं तुम्हारी छाया नहीं हूँ जो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। तुमने क्रोध किया और बात यहीं पर समाप्त हो गई, लेकिन अब मुझे क्या करना है वो मुझे तय करना है। बुद्ध ने कुछ भी नहीं किया, वह आदमी चला गया। दूसरे दिन वह माफ़ी मांगने आया और बुद्ध से कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और उसने अपना सिर बुद्ध के पैरों में रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने अपना सिर उठाया तो बुद्ध ने कहा कि और कुछ कहना है। उस आदमी ने कहा कि आप कैसे इंसान हैं। बुद्ध ने कहा मैं समझ गया, तुम्हारे मन में कोई भाव इतना ज़्यादा घना है कि तुम उसे शब्दों से कह नहीं पा रहे हो, और इसलिए पैरों में सिर रखकर और आंसुओं से कह रहे हो। तुम कल भी कुछ कहना चाहते थे, नहीं कह पाए, और आज भी कुछ कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे हो। उस आदमी ने कहा मैं क्षमा मांगने आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा मैंने तुम पर क्रोध ही नहीं किया, इसलिए क्षमा करने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कल देख लिया था कि तुमने थूका, वैसे ही मैंने आज भी देख लिया कि तुमने पैरों पर सिर रखा और बात यहीं पर समाप्त हो गई, और अब इससे ज़्यादा मैं कर्म में नहीं पड़ना चाहता। बुद्ध ने कहा क्योंकि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बुद्ध ने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, क्योंकि उनका मन वही करता है जो कि बुद्ध चाहते हैं, ना कि बुद्ध वो करते हैं जो कि उनका मन चाहता है। अगर आप अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप दिन भर में कर्म बहुत ही कम, प्रतिकर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रतिकर्म का मतलब है ऐसा कर्म जो दूसरों द्वारा प्रेरित हो। कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप भी उसे थप्पड़ मार देते हो, कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम तुरंत उसे गाली दे देते हो, और कोई तुम्हें आदर दे तो तुम उसे आदर देने लगते हो, कोई तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उससे प्यार से बात करने लगते हो। तुम्हारे जीवन के सारे कर्म प्रतिकर्म बन चुके हैं। तुम्हारे साथ जो भी चीज़ें होती हैं तुम उसका प्रतिकर्म करते हो। किसी ने तुम्हें क्रोधित करने के लिए तुम्हें गालियाँ दे दी और तुम उस वजह से क्रोधित हो गए, तो इसका मतलब तुमने कर्म किया, तुमने क्रोध करने का कर्म किया, और यह कर्म इंस्पायर्ड है किसी और से। तुम अगर अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो तो तुम पाओगे कि तुम जो भी कर रहे हो वह इंस्पायर्ड है, और जो इंस्पायर्ड होकर किया जाए वह कर्म नहीं प्रतिकर्म है। उस कर्म के पीछे किसी दूसरे का हाथ है, और यही प्रतिकर्म ही तुम्हारे भीतर मन का रूप ले लेता है जो कि तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, और इसलिए तुम परेशान होकर कहते हो कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। अगर मन पर नियंत्रण करना है तो हमें प्रतिकर्म से दूर हटना होगा। हम प्रेम करें, घृणा करें, ईर्ष्या करें, क्रोध करें, जो भी करें वह होशपूर्वक होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, हम अपने मन को अपने कंट्रोल में कैसे करेंगे, इन सारे मुद्दों पर बात अब हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।